हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका स्टाइल। और मैं हूँ दीपिका। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब ठीक होंगे। ये देखिए, आज की जो मेरी रेसिपी है वो है भुना हुआ चना। तो भुना हुआ चना आप किस प्रकार से घर पे बना सकते हैं वो मैं आज बताने वाली हूँ। ये मैंने घर पे बनाए हुए हैं, तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे बनता है। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में ही बेल आइकन का बटन है तो उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। भुना हुआ चना बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे काले चने और एक कटोरी नमक। तो मैं ये क्वांटिटी अपने हिसाब से ले रही हूँ, आपको जितना भी बनाना है आप उतना ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना कि कैसे बनता है। गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और गैस की फ्लेम को आपको हाई रखना है। और अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी और हाई फ्लेम पे आपको नमक को गरम करना है। उसके बाद हम इसमें काला चना डालेंगे। ये देखिए, नमक गरम हो चुका है। हाई फ्लेम पे हमने नमक गरम किया है। अब हम इसमें थोड़े से काले चने ऐड कर देंगे। पूरे चने ऐड मत करिएगा आप, और इसे अब हाई फ्लेम पर ही इसको ऐसे चलाते रहिएगा। आप कंटिन्यूस चलाइएगा वरना नहीं चने जल जाएंगे। ये देखिए, चने फूटना स्टार्ट हो चुके हैं। आपको फ्लेम को हाई रखना है, हाई फ्लेम पर ही इसको भूनना है। ये देखिए, तो ये देखिए चने अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए, सारे चनों को मैंने अच्छे से भून लिया था नमक में और एक प्लेट में निकाल लिया है। अभी थोड़ा सा गर्म है। देखिए, घर पे आप आसानी से ये भुने हुए चने आप बना सकते हैं और ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, बस 2 मिनट में बनके रेडी हो जाते हैं। आपको इसके लिए काला चना और नमक की ज़रूरत पड़ती है, तो आप घर पे ज़रूर बना के ट्राई करें। सो, अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पास में ही बेल आइकन का बटन है तो उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।